नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हीमोग्लोबिन की। जब हम किसी भी डॉक्टर के पास कोई भी नॉर्मली बीमारी लेकर जाते हैं तो हमें वो सबसे पहले हीमोग्लोबिन जांच करने के लिए रेफर करता है और ये कहता है कि पहले ये जाँच कराइए, फिर हम आगे इलाज करते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कि हमारे बॉडी पर हीमोग्लोबिन का क्या असर होता है, ये हमारे शरीर पर किस प्रकार का इफेक्ट करता है, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है या इसकी अधिकता से कौन सी बीमारी होती है, इसको बढ़ाने के उपाय। तो हम आज बात करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। चलिए आइए हम देखते हैं। फर्स्ट बात है कि हीमोग्लोबिन ब्लड का एक इम्पॉर्टेंट पिगमेंट होता है जिसके कारण ब्लड रेड होता है। हीमोग्लोबिन इज ए कंजुगेटेड प्रोटीन फाउंड इन राउंड शेप, मीन्स हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में कंजुगेटेड प्रोटीन के रूप में होता है जिसका शेप राउंड होता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन मापने को हीमोग्लोबिनीमेट्री कहते हैं, मतलब जब हम पैथोलॉजी में हीमोग्लोबिन को मापने जाते हैं तो उस विधि को हम हीमोग्लोबिनोमेट्री कहते हैं। हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम में चार मॉलिक्यूल होते हैं और ग्लोबिन में एक मॉलिक्यूल होता है। हीम जो होता है वो फेरस के फॉर्म में होता है, मींस मतलब आयरन पे डबल चार्ज होता है, और ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन के फंक्शन के बारे में, मींस हमारे शरीर पर इसका क्या रोल होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के वाहक का कार्य करता है, इसके कारण इसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहा जाता है, मींस ये ऑक्सीजन के कैरी का काम करता है, इसलिए हम इसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं। एक रिएक्शन के द्वारा हम समझ सकते हैं कि ये किस तरह से हमारे शरीर पर वर्क करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ये वर्क टिश्यू लेवल पे होता है, और फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट के हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में बदल जाता है, मतलब कि ये जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अनस्टेबल होता है, स्टेबल नहीं होता है, इसीलिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन में टूट जाता है। अब हम कुछ बातों को ध्यान रखेंगे, जैसे कि ब्लड को रेड रखता है। ब्लड को रेड रखने का काम हीमोग्लोबिन ही करता है। ये हीमोग्लोबिन हीम के कारण हमारे ब्लड को रेड रखता है। हम कुछ बातों को नोट करेंगे, जैसे कि यह 120 दिन बाद प्लीहा में एंडोथेलियम कोशिका के द्वारा नष्ट हो जाता है, मतलब ये 120 दिन बाद एंडोथेलियम कोशिका द्वारा नष्ट हो जाता है और फिर नए हीमोग्लोबिन हमारे बोन मैरो में बन जाते हैं। अब देखेंगे कि इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, मीन्स हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए। तो मेल में हीमोग्लोबिन 13 से 18 ग्राम परसेंट होता है, फीमेल में 11 से 16 ग्राम परसेंट होता है, और न्यू बॉर्न में 14 से 19 ग्राम परसेंट होता है, मतलब जो न्यू बॉर्न जो नए बच्चे नवजात शिशु होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 से 19, मीन सबसे अधिक हीमोग्लोबिन बच्चों में ही पाया जाता है। अब बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन से बीमारी हो जाती है, मतलब यदि हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गया है, मतलब कि हमारे बॉडी में यदि हम मेल हैं तो 13 से 18 के बीच से कमी आ गई है तो हमें कौन सी बीमारी होगी। यदि कमी आ गई है तो हमें एनीमिया होगा, मतलब हीमोग्लोबिन लो हो रहा है तो हमें एनीमिया बीमारी होगी। यदि हमारा एक मेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा 13 से कम हो जा रहा है तो एनीमिया हो जाएगा, और यदि हाई हो जा रहा है तो PRB, इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीसाइथेमिया रुब्राबेरा। ये यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा हाई हो जाती है तो इसे PRB कहते हैं। इंडिया में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया सबसे कॉमन एनीमिया है जो सबसे अधिक होता है, मतलब हमारे इंडिया में आयरन डिफिशियंसिया एनीमिया का एक टाइप होता है जो कि सबसे अधिक होता है, और ये प्रेग्नेंट लेडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन बढ़ाने के उपाय, मतलब कि यदि हम हीमोग्लोबिन की जांच कराने पर पता चले कि मेरा हीमोग्लोबिन कम है तो उसे हम कैसे बढ़ाएं। तो कुछ बातों को हम ध्यान में रखते हैं कि किस तरह से बढ़ाया जाता है। पहली बात तो हम कोई भी आयरन जैसे चीज़ों को लेंगे जिसमें आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो उससे हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। तो आयरन की मात्रा चुकंदर में सबसे ज़्यादा होती है, चुकंदर का सेवन करने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है।
पालक का सेवन करने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। पालक में आयरन होता है, इसीलिए हीमोग्लोबिन बढ़ता है। कुछ ड्रग्स हैं जिसे भी हम ले सकते हैं जांच कराने के बाद। ये थोड़ा बहुत कम है हमारा हीमोग्लोबिन, तो इस ड्रग के द्वारा हम अपना हीमोग्लोबिन बढ़ा सकते हैं। यदि बीमारी कुछ ज़्यादा ही कम है या एनीमिया मतलब कुछ ज़्यादा ही कॉज किया हुआ है, तो हम इस दवा को ना लेकर डॉक्टर के पास जाएंगे और उसे इलाज कराएंगे। इसे हेप्टाग्लोबिन लिक्विड होती है, हेप्टाग्लोबिन लिक्विड जो हम नॉर्मली हेप्टाग्लोबिन लिक्विड को लेकर अपने हीमोग्लोबिन को इंक्रीज कर सकते हैं। एक आता है मिहिरॉन टेबलेट, टेबलेट होता है इसमें फॉलिक एसिड और आयरन टेबलेट पाया जाता है जिससे हमारे हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करता है। फॉलिक एसिड हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करता है, आयरन भी हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करता है। हीमअप एक लिक्विड आता है, हीमअप, हीमअप लेने से हमारा हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ता है। एक आता है डेक्सोरेंज, ये सब नॉर्मल ड्रग्स हैं जिसके लेने से हमारे हीमोग्लोबिन बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी सिंड्रोम, मतलब कि यदि हमारा हीमोग्लोबिन कम हो गया है तो उसमें कौन कौन से लक्षण आएंगे। तो पहला लक्षण होता है थकान, थकान और कमजोरी, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना, सांस लेना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, त्वचा में हल्के नीले नीले धब्बे पड़ना। मतलब ये हमारे शरीर में एक थकान आ रहा है, कमजोरी हो रहा है, तो हमें हीमोग्लोबिन की जांच करानी चाहिए। तो दोस्तों हमने आज देखा कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसका हमारे शरीर पर किस प्रकार से फंक्शन होता है, इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, ये किस प्रकार से होता है। तो आज के लिए बस इतना ही।